अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर देश है, सभी जानते हैं, लेकिन अपने ही समाज में जड़ें जमा चुकी हिंसा की समस्या को दूर करने में नाकाम हो जाता है। आए दिन वहां मास शूटिंग्स यानी सार्वजनिक जगहों पर फायरिंग हो जाती है, बेवजह लोग मारे जाते हैं। चिंता इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि छात्र भी इस गन कल्चर के शिकार हैं। स्कूल और कॉलेज में फायरिंग होती है, छात्र मारे जाते हैं। दौलत के दम पर बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन लोगों की समझ को बदला कैसे जाए, उनको नॉन वायलेंस की अहमियत कैसे बताई जाए, कैसे समझाई जाए, ये अमेरिका पिछले कई सालों से समझ नहीं पा रहा। अब उसको एक रास्ता दिखाई दिया है। अमेरिका को जैन धर्म में एक उम्मीद दिखाई दी है। अमेरिका में रहने वाले जैन समुदाय के लोगों ने अमेरिका की 40 यूनिवर्सिटीज में जैन धर्म से जुड़े कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूरी दे दी गई है। यानी अब भारत का धर्म अमेरिका को अहिंसा का पाठ पढ़ाएगा ताकि वहां पर खून खराबा रुक जाए। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बात पे बात गोली चल गई, कई जख्मी हुए, कुछ मारे गए। पुलिस कार्रवाई करती है, गिरफ्तारी भी हो जाती है, लेकिन हैरान परेशान अमेरिका के पास आज भी इसका जवाब नहीं कि स्कूल या कॉलेज में गोली आखिर चली क्यों। इस सवाल का भी जवाब नहीं मिलेगा कि पिछले कई वर्षों से स्कूलों या कॉलेजों में गोलीबारी का सिलसिला रुकता क्यों नहीं। 18 साल से कम उम्र के लड़के फायरिंग करते हैं और हत्या तक कर देते हैं, आखिर क्यों। स्कूल और कॉलेजों में ही नहीं, अमेरिका में मास शूटिंग्स यानी सार्वजनिक जगहों पर गोलीबारी की घटना सामान्य बात है, लेकिन बेहद आम हो चुकी इस हिंसा पर अब रोक लग सकती है। जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांत इस समस्या का समाधान बन सकते हैं। जैन एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका यानी जैना के प्रस्ताव पर अमेरिका के 40 विश्वविद्यालयों में जैन धर्म पर कोर्स शुरू किया जा रहा है। इनमें जैन धर्म से जुड़े 30 से ज्यादा कोर्स पढ़ाए जाएंगे। जैन धर्म पर पीएचडी का कोर्स होगा, साथ ही अहिंसा और सात्विक आहार पर अलग अलग कोर्स होंगे। तो ये बहुत अच्छी पहल है, जो कई सालों से इसके ऊपर काम चल रहा था। अब बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो हैं उसके ऊपर उसमें अपना सपोर्ट दे रही हैं यूएस में, और जो जैन्स हैं वहां पे जो कम्युनिटी है उसको प्रमोट कर रही है। इसी तरह से बाकी कंट्रीज में भी हम देखें तो अहिंसा के ऊपर काफी आजकल अहिंसा इवन सात्विक आहार को लेके बहुत से ट्रेनिंग्स दी जा रही है, पढ़ाई कराई जा रही है। संस्कृत को काफी जो हम देखेंगे बहुत सी कंट्रीज में संस्कृत के ऊपर भी काफी बहुत से कोर्सेज होते हैं। तो जैनिज्म का एक बहुत अच्छा जैन जो कम्युनिटी है उन्होंने स्टार्ट किया है। अमेरिका में अब अहिंसा पर जोर क्यों है इसे समझना मुश्किल नहीं। अमेरिका में पिछले साल करीब 700 मास शूटिंग्स हुई, इनमें 34 घटनाएं स्कूलों में हुई। चिंता की बात यह है कि स्कूलों में हुई फायरिंग में पिछले दो वर्षों में 25 से ज्यादा छात्रों और सुरक्षा कर्मियों की मौत हो चुकी है। इस हालात को देखते हुए अब अमेरिका के लोग नॉन वायलेंस यानी अहिंसा को अहमियत दे रहे हैं, और इसी वजह से जैना ने विश्वविद्यालयों के सामने कोर्स का प्रस्ताव रखा, ताकि अहिंसा के अपने प्राचीन सिद्धांत के जरिए लोगों को हिंसा से दूर किया जा सके। अमेरिका और कनाडा में करीब 1.5 लाख जैन हैं, इसीलिए जैना अमेरिका, कनाडा और यूरोप के अलग अलग विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर कोर्स तैयार कर रही है, जिसका खर्च अमेरिका में रहने वाले जैन परिवारों की तरफ से दिए गए फंड से उठाया जा रहा है। इससे पहले भी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में जैन और हिंदू धर्म पर एक पीठ की स्थापना की गई थी। अब 40 विश्वविद्यालयों में नए कोर्स को बनाने और लागू करने में करीब 450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले चरण के लिए 150 करोड़ रुपए जैना ने जुटा लिए हैं। शिकागो में रहने वाले डॉक्टर जसवंत मोदी ने 96 करोड़ रुपए दान दिए हैं। दूसरे चरण के लिए 300 करोड़ रुपए विश्वविद्यालय खर्च करेंगे। जैनिज्म का सवाल है, इंटरनेशनल स्कूल फॉर जैन स्टडीज करके एक इंस्टीट्यूशन है जैनिज्म के ऊपर, जहां उन्होंने काफी इसके ऊपर काम किया है, कई सालों से वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और बहुत से स्कॉलर्स हैं, बहुत से लोग हैं जो इंडिया में आके उन्होंने टेम्पल्स विजिट किए हैं, बहुत सारे हमारे जो ओल्ड कल्चर को उन्होंने देखा, पढ़ा, समझा, और उसको वहां जाके वो स्कॉलर्स बने, और उन्होंने अब पीएचडी भी की है जैनिज्म। लेकिन ये सिलसिला सिर्फ अमेरिका तक नहीं रुकेगा, अमेरिका के अलावा इसराइल, खाड़ी देश और एशिया में भी पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
रिपोर्ट के मुताबिक भारत में BHU और नालंदा विश्वविद्यालय को भी प्रस्ताव दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।